end of so it gives a kind of experience. We'll see a new camera, the Q Rover camera, I think. Also, we call it buggy camera. It is people can come and KBC Hindi being one of the prime of them. We have collaborated with multiple very, very big talents across. Okay, thank you very much. I'll move on to Ashish. Welcome everyone. I'm sure in the name Studio Links is going to become the big powerhouse of content in days to come. Coming back to Konbanega Karolpati. हर साल जैसा कौन बनेगा करोड़पति एक पर्व के जैसा हो गया पिछले तीन सालों से अगर आपने तीन पर्वों से अगर आपने देखा होगा तो जैसे होली दिवाली एवरी ईयर दे कम इसी तरह कौन बनेगा करोड़पति का भी स्पेसिफिक टाइम होता है इसी दौरान अगस्त के महीने में हम लोग मिलते हैं और अगस्त में भी लॉन्च है फॉर यू नो 10-12 दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी 13 वीक्स तो 13 हफ्तों के लिए ये ज्ञान का सफर चलेगा जिसमें एक सामान्य व्यक्ति केवल और केवल अपने ज्ञान के द्वारा अपना नाम और दाम दोनों कमा सकता है तो आई थिंक ये बहुत ही यूनिक चीज़ है हर साल की तरह जैसे एनकी सर ने भी बताया कि लाखों मिलियंस ऑलमोस्ट गेटिंग इन टू क्रोर्स ऑफ पीपल अप्लाइड उन्होंने पार्टिसिपेट किया शो में उसके द्वारा सुनीलिप के द्वारा पहली बार हमें वक्त के साथ अपने आपको बताया एक समय था जब SMS करके या फोन कॉल करके लोग पार्टिसिपेट करते थे अभी पूरा दुनिया डिजिटल हो चला है हम सब लोग व्हाट्सएप और दुनिया भर के सोशल एप्लीकेशंस OTTs और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो सुनीलिप हमारा जो डिजिटल आम है उसके द्वारा लोगों ने पहली बार दूसरी बार अच्छी बट इस बार पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा हमने हमारा जो विड्थ और जो एक्सपैंस ऑडिशन का है वो भी बढ़ाया इस बार हर साल की बजाय बहुत ज़्यादा लोग आए जिनको हमने इंटरव्यू किया और फाइनली वो 13 हफ्तों तक अब आपके सामने नजर आएंगे तो ये सारे कॉन्टेस्टेंट्स जिनकी जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि इस देश में जहाँ बहुत जो हमारा इस बार का लाइन भी है अगर विश्वास है तो उस पर खड़े रहो तो हमें एक नहीं अगर आप देखेंगे शो जब 19 अगस्त से आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इस दुनिया देश जो हमारा है वो बहुत तीव्र गति से बदल रहा है सो जहाँ एक तरफ ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं लेकिन लोग लगे हुए हैं और वो अपने कर्तव्य निष्ठा से
आगे बढ़ते हैं और वो कैसे जीवन में बड़ा अपना एक मकाम हासिल करते हैं, वो सब आप देखेंगे। ये यू नो कॉन्टेस्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल कम अलाइव ऑन द स्टेज, दैट वाज वन। आई थिंक इन द गेमिंग बहुत कौन बनेगा करोड़पति एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव कर नहीं सकते हैं, फिर भी हम हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया लेके आए। इंद्रनील ने अभी आपको बताया द प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स, कैमराज, एंगल्स, सेट, जो जिसका आपने थोड़ी देर पहले यू नो अवलोकन भी किया, तो ये सारा तो बदला है। फॉर्मेट में जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ कोशिश की है। इस बार एक नई लाइफ लाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन, जो कुछ सालों पहले भी थी लेकिन इस बार हमने उसको वापस इंट्रोड्यूस किया है, तो हर साल की तरह चार लाइफ लाइन होंगी। ये एक नई लाइफ लाइन हमने ऐड की है, ऑडियंस को 50-50 और आस द एक्सपर्ट के अलावा, सो ये एक लाइफ लाइन की बात हुई। उसके अलावा जहाँ तक यू नो कर्मवीर जो हम हर साल पिछले पहले भी हमने किया है, बट बहुत ही मतलब हम वन ऑफ करते थे, हमने पिछले तीन सालों में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, इस एक तरह से इसको फॉर्मलाइज किया है, हमारे शो का एक अभिन्न अंग बनाया है कि जो लोग रियल लाइफ हीरोज हैं उनको कैसे हम इस मंच के जरिए लोगों तक पहुँचाएँ। और दो सालों में आपने देखा यू नो बिग अवार्ड विनिंग पीपल लाइक नोबल लॉरेट्स, मैग्सेसे विनर्स, और जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इस देश में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ऐसे ही कुछ जिनको हम कर्मवीर कहते हैं, ऐसे ही कुछ यू नो नगीने कर्मवीर आपको इस साल भी दिखेंगे। शुक्रवार को जो हमारा एपिसोड होता है वो उनको डेडिकेटेड रहता है, सो हम आप मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज लेट दैट बी अ सरप्राइज, बट दे हैव रियली डन सम फैंटास्टिक वर्क व्हिच ऑफ कोर्स विल नॉट इन नॉट ओनली इंस्पायर यू नो द कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है ना, नहीं है ना, ऑडियो नहीं है सर, माइक दे देंगे ना उनका स्पीकर वहाँ से। हाँ ये सही है, ये ऑडियो है, ये ऑडियो सही है सर जी। माइक इज दिस माइक, हाँ परफेक्ट सर, हाँ तो जैसा कि मैं कहना था कि ये मेरे लिए बड़े आदर और सम्मान की बात है कि हर वर्ष हर सीजन में मुझे सोनी आमंत्रित करता है इसे करने के लिए, और हर सीजन में कुछ ना कुछ नई बातें होती हैं, खेल के दौरान सेट के दौरान जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको देख करके अच्छा लगता है। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो है कंटेस्टेंट कहाँ से आते हैं, उनकी क्या जीवनी है, किस तरह की सब कठिनाइयों से निकल के वो आगे आते हैं, उनसे मिलना, उनकी कहानियों को जानना, उनसे बात करना और फिर उन्हें अच्छी खासी धनराशि जीतते हुए देखना, ये मुझे बहुत आनंद देता है।
ये मंच जैसा कि अभी बताया कर्मवीर एक हमारा कार्यक्रम का विशेष कार्यक्रम, इसमें हम उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुछ असरदार काम किया। उनसे देख करके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग प्रभावित होंगे, लेकिन देश में जितने अन्य लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे, इंस्पायर्ड होंगे। उनकी कहानियाँ जो हैं वो अद्भुत होती हैं। पिछले कई वर्षों से हम कर्मवीर कार्यक्रम कर रहे हैं और इनमें से जिन जिन लोगों से हम मिले और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे मिला तो समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर ये प्रेरणा स्रोत कहाँ से आता है, कैसे वो ये सोचते हैं कि उन्हें इस तरह का काम करना चाहिए। चाहे वो कोई महिला हो जो कि कलकत्ते की गलियों में घूमती है और ऐसे गरीब लोगों को उठाती है जिनके पास घर नहीं है, उनको एक घर देती है। कैसे हैं वो लोग जो दिल्ली की सड़कों पर जो अनाथ पड़े रहते हैं, जिनको उनके माँ बाप छोड़ करके चले गए हैं या उनकी संतान भी छोड़ कर चले गई है, उनको वो उठाते हैं और उनको एक घर देते हैं, उनके देख रेख करते हैं। उनकी बड़ी दर्दनाक कहानी होती है, उनको सुन करके हमें बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सांत्वना मिलती है कि चलिए कोई तो है जो उनकी देख रेख करता है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके बारे में आप देख चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष भी बहुत से ऐसे कर्म भी हम अब तक 3-4 हम दे चुके हैं और उनमें से बहुत ही प्रभावित हुआ उन्होंने हम सबसे। उम्मीद करते हैं कि जब आप कार्यक्रम देखेंगे तो उनसे आपकी मुलाकात होगी। आगे जो कुछ भी आपको पूछना होगा अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो शुरू कर देंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो उत्तर होंगे वो आपके उम्मीद को बता दें। May I please invite Mr. N.P. Singh, Mr. Ashish, Mr. Indraneet to please join Mr. Kavach on stage and question answer round shuru karte hain. That motivates me when I walk on and they cheer, they scream,
reach or victory that the contestant wins when they show expression. I feel it's just an expression that audiences that are watching the show are also going to see. So we judge what the audience is going to and how it's going to react by what our live audience is. They are very important, I feel. These are some of the emotions that go. For current year, I've just been saying that some of our current views have been just unbelievable examples. And they've been very moving for me particularly. Because I've lived with a lot of them and their stories. We've had women who've been attacked, had acid attacks, and have still continued to come here and narrate their lives. It's not easy for a woman to do that. We've had people whose sons and whose children have thrown them out of the home. And this gentleman has gone and picked them up and given them some kind of respect. It's unbelievable to know that in today's world there are children that are able to do this, and yet, how wonderful that there are some people out there who are caring and look after. We've had some great award winners, international award winners who work for, you know, children, protecting children from child labor. We've had people who have worked in the city like Varanasi and helped young girls from prostitution. All these stories are just so emotional and so motivating. I must admit that every time I go back at night after finishing this, it remains with me for a very long time. And many a time I find it reflected in some of the things that I do, or I hope that many do. There are many people that actually watch one of our shows and get so impressed that they write it, and they actually seek to know, you know, whether they can be of some assistance, they can help. And that's just wonderful as a show, and it's wonderful as a channel for them to think that we should have elements like this in our show so that it motivates a lot of the people. It's not just one of the people. It's when a lot of people in the country step out and want to help. It makes a lot of difference. It's like if there's a crisis. We've had martyrs, we've had farmer situations, we've committed suicide, we've had floods and devastation in Kerala and Maharashtra and Odisha and Bengal and Bihar. It's just wonderful that when one person makes an initiative, that a lot of people just want to find them and want to join in together to see whatever they can do. Yes, the government does a lot, but it's just wonderful to see a collective effort coming. And that's what I find when I take that people. I find a lot of people collectively. I had somebody from America who's on my fan mail. When they saw the farmer issue or the girl child issue, actually write me and say, how can I make a contribution? I don't learn much, but can I just give $500? I mean, it's just that little motivation and that initiative that comes from these people that shows that something is going inside their hearts and minds for them to be able to do something like that. So that's what's really very important to me. And sir, at 76, where do you find the passion and energy to work so hard? At 76, where do you find the passion and energy to still work so hard? I got to do a job. I know the job. Stop getting it up a little bit. Yes, sir. Check. Amitabh, sir. Sir, idhar. Sir, namaskar here. Oh, yes, here, here. Namaskar. मेरा नाम अंकिता तिवारी है. मैं पहली बार आपसे मुखातिब हो रही हूँ मेरे करियर में. तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि ये सीजन भी ऑफ कोर्स आप ही ने होस्ट किया है. सर, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बार की जो टैग लाइन है वो है डटे रहो, तो अड़े रहो. सो कहीं ना कहीं आप एक लिविंग एग्जाम्पल हैं अड़े रहने का, बिकॉज कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव में भी आप डटे रहे, आप अड़े रहे. क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में, इस बार की टैगलाइन के बारे में? ये तो इन्होंने टैगलाइन बनाया है, इनसे पूछिए. मेरा इसमें कोई योगदान नहीं. मुझे एक
काम मिलता रहता है, मैं करता रहता हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप ऐसे सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में आ रहा हूँ। जब तक ये जीवन है तब तक तो संघर्ष बना रहेगा और लड़ रहे हैं। सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, केबीसी के 19 साल कंप्लीट हो गए हैं और आप जो हैं वो लगभग हर सीजन में ही जुड़े रहे हैं, एक लंबी जर्नी है आपकी साथ में। आप एज अ पर्सन कितने इवॉल्व हुए हैं इन 19 सालों में केबीसी के साथ? अपने बारे में बोलना बड़ा कठिन होगा, जैसा ये लोग करते हैं करते हैं मैं करने का प्रयत्न करता हूँ। तो किसी और से पूछना होगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ या नहीं हूँ, अगर ये बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि अगले साल हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं। सर इस बार का म्यूजिक भी थोड़ा अलग है, अजय अतुल ने जो है वो एक और म्यूजिक जो है कंपोज किया है, किस तरीके का आपका उस पे विचार है, कैसा लगा? उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, बट अजय अतुल जी बहुत ही प्रख्यात संगीतकार और संगीत निर्देशक हैं। इस बार ये काम उनको दिया गया और उन्होंने मैसेडोनियन फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के सहयोग से हमारे सिग्नेचर ट्यून ने उसे बनाया है। बहुत ही भारी भजन लगती है और सुनने में अच्छा लगता है। आपने सुना सर, आपसे एक सवाल है, मेरा नाम दिलीप ठाकुर है, आप में कितना बदलाव आ गया? सर दाढ़ी बढ़ गई है। नहीं, वो बात अलग है, इस प्रोग्राम की वजह से। हाँ जी, ये ऐसे प्रोग्राम की वजह से आपने कितना बदलाव आ गया? सवाल जवाब, सवाल आते हैं, सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, नए नए लोग सामने आ रहे हैं, जिज्ञासा बढ़ती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो जब प्रश्न आता है तो हमें पता चलता है। और फिर कभी समाज में बैठते हैं यार दोस्तों के साथ, तो उनके साथ हम बोलते हैं, उनको पता है कुछ ऐसा होता है, वो कहते नहीं पता, तो मुझे पता, मैं बताता हूँ। तो हमारी जो है जिज्ञासा बढ़ जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, हम लोग अपने आप को बहुत चीज़ मानना समझते हैं। अच्छा, 7 नवंबर 1969 को आपकी साथ हिंदुस्तान में रिलीज हुई जी। 7 नवंबर 1969 आपकी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तान में रिलीज हुई, अभी 50 साल होंगे 7 नवंबर को, क्या इस प्रोग्राम में आप उसका सेलिब्रेशन करेंगे या और कुछ सोचा है? 50 साल तो हो रहे हैं, ये सब उत्सव वगैरह में विश्वास नहीं रखता। अच्छा, सोनी के लिए सवाल है, आप सोशल हेल्प करते रहते इस प्रोग्राम के जरिए, अभी महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई है उसके लिए कुछ सोचा है आपने, कुछ हेल्प करेंगे, कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ आने से पहले मैं अपनी टीम के साथ बैठ के यही डिस्कस कर रहा था कि हमें हम क्या कर सकते हैं महाराष्ट्र में जो बाढ़ आई, और महाराष्ट्र में ही नहीं बट कर्नाटका में भी बहुत बाढ़ है और केरला में भी है, तो किस तरह से हम अपना योगदान दे सकते हैं। काफ़ी काम उसके ऊपर हो रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप हमारे नेटवर्क पे भी देखेंगे हम क्या काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने दर्शकों को भी एंगेज करें और इन्वॉल्व करें इस मदद में, इसलिए हम अपना नेटवर्क भी यूज करेंगे। मेक एन अपील टू आवर व्यूअर्स टू ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। हम अपनी तरफ से और हमारे जो लोग हमारे साथ काम करते हैं उन सबको इन्वॉल्व करके हम काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करें। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को मौका मिले हॉट सीट पे बैठने के लिए, तो क्या लगता है कौन सबसे आगे तक जाएगा? कौन है जो बहुत सारे सवाल या बहुत क्यूरियोसिटी रहते हैं जिनमें ये सब सवाल पे जवाब देने के लिए, तो आपको क्या लगता है कौन आगे तक जाएगा आपके फैमिली में? जी मेरे परिवार में सब लोग देखते हैं कार्यक्रम, अजया देखती हैं और वो कुछ भी हो सकते छोटे छोटे वो देखती हैं। इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको यहाँ पर देखते हैं। और घर वाले जो हैं वो कहते हैं इसको, कभी श्वेता कहती है, कभी ऐश्वर्या कहती हैं, और घर में बैठे बैठे कभी प्रश्नावली होती रहती है तो सब उसका जवाब देते हैं। तो अगर उनको आना हो तो जो खेल के नियम हैं और सोनी चैनल के नियम है, उसमें परिवार का कोई सदस्य आ नहीं सकता है। नियमों का पालन करते हुए हमने उनको अलग रखा हुआ। आराध्या आपका शो देखती है? आराध्या जी हाँ देखती है। उसका रिएक्शन क्या होता है? अभी तो
तो वो स्वयं को बताया कि अपने वहन में यहाँ तक जाएंगे। बात करती हूँ, मैंने वो देखते हैं इश्तहार वगैरह देखते हैं सड़कों पर, हमारा जो इश्तहार आता है चैनल पर उसको देखती हैं, बात करती हूँ इसे। एक आध बार हमने ऐसे घर में बैठे बैठे कभी ऐसे प्रश्न करते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ इसका जवाब हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, घरेलू मामला है। हेलो हेलो सर, ये सर 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 ये हेलो सर, परमेश्वर गुण फ्रॉम महाराष्ट्र एयरलाइंस। लास्ट पूरे हफ्ते से महाराष्ट्र में बाढ़ है और उसके ऊपर कोई भी बॉलीवुड कलाकार तो कोई भी शख्स व्यक्त नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? सर ऐसा सोचना गलत है, बहुत से लोग चैरिटेबल काम करते हैं लेकिन उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं और ना ही मीडिया को बोलते हैं। उनमें से एक आपके सामने है जो आपको बात कर रहा है और मैं ये कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आती कि हमने इतना किया यहाँ पर, हमने इतना किया, लेकिन जो लोग हैं जो इस संबंध में काम कर रहे हैं उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है। क्या आप सब वोटर्स को अपील करोगे, शख्स को अपील करोगे, व्यूअर्स को? हाँ जी सर, अपील करोगे व्यूअर्स को आप? जी अवश्य, बल्कि यहाँ आने से पहले अभी भी मुख्यमंत्री के दफ्तर से मैं बात कर रहा था, मैं उनसे जानना चाह रहा था कि अगर हम अपने ट्विटर पर या अपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसा बात बोल सकें कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, क्योंकि पुलिस का जूनियर फंड है वहाँ पर आप योगदान कर सकते हैं। My question to you is, your next role, Vijay Barse, that is a very inspiring story. Also, Anand Kumar's Super 30 based story also came from KBC. So, is your aim that in the future you present more such motivating stories to the world and also to Bollywood? No, no, aisa nahi hai. Jaise ki humne kaha, Bollywood mein jaate hain tab hota hai. To gaane leke aa gaye, aise gaane banane humne kaafi tha. Sir, this is Anupam from Delhi Chakkar. Sir, if you are made to sit the other side of the chair, who do you think will make for a perfect host? You do it for me, is that very good? मैं बहुत घबराता हूँ, मैं डरती हूँ कि मैं इतिहास और ऐसे बाहर के लिए बैठा है विवाद ही प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, जनरल नॉलेज बहुत खराब है। कोई भी आता है, कोई भी मेरे दिमाग में एक आते हैं वो है मिस्टर अमिताभ बच्चन। एंड ऑल्सो आई वांटेड टू नो दैट एमपीसीस that can we see the new season of junior KBC that used to air way back? Since kids show has always been famous and has been viewed a lot, so that's why I want to ask, any plan to bring back with new season? Last pichle saal humne ek week as a special kiya tha, you know, kaun banega karodpati, jaise maine thodi der pehle kaha ki saal mein ek particular दो महीनों के लिए 12-13 हफ्तों के लिए आता है, तो उस दौरान अभी इमीडिएटली ऐसे कोई प्लान नहीं है, बट हम करेंगे, क्यों नहीं, हम बच्चों का सिंगिंग और डांसिंग शोज चलाते हैं, तो कौन बनेगा करोड़पति भी बच्चों का हो सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ नहीं। थैंक यू। बच्चन सर, बच्चन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हाँ जी सर, when you came with KBC One, you actually, which was a breakthrough, you know, no one has expected कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन विल होस्ट योर गेम शो एंड यू हैव एक्चुअली डिमिनिश्ड द डिफरेंस बिटवीन बिग स्क्रीन एंड स्मॉल स्क्रीन, बट नाउ वी सी दैट एवरी अदर एक्टर इज कमिंग इन टू टेलीविजन, ही इज होस्टिंग शो, यू नो सलमान एंड अदर्स, सो वॉट यू वॉन्ट से अबाउट द परसेप्शन दैट हैज बीन चेंज अमंग द एक्टर्स, अमंग द इंडस्ट्री, दैट लाइन दैट हैज बीन डिमिनिश्ड, वॉट यू वॉन्ट से अबाउट इट? सर ये हमने जानबूझ के नहीं किया, जस्ट मेयर कोइंसिडेंस, स्टार के बाद दिस आइडिया, सर्कमस्टेंसेस वर सच दैट एवरीवन फेल्ट दैट आई शुड नॉट गो देयर, स्पेशली पीपल फ्रॉम माय होम, बट आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज समथिंग न्यू, द पीपल दैट वर रिस्पांसिबल फॉर द शो वर वेरी इंसिस्टेंट
I didn't know what I was getting into. I asked them, can I see the show? They showed me some tapes. And I said, well, can I go and see how it's conducted? So we went to England and we actually saw the host there conduct the show. And then I said, if you can give me the same atmosphere that I've just seen in England, then I'd like to do it. And to take credit to them and to Sony thereafter, every time there's been a replication and indeed a better replication of what I saw in England many, many years ago. And each year there are new innovations that Sony keeps putting in, you know, make the set look better, create atmosphere which is conducive to the audience as well as to the host and to the contestant. And that requires a lot of labor, a lot of thinking. I really must congratulate Sony for every year coming up with new thoughts, new ideas. What can we do to make the set look better? What can we do to make the contestants more comfortable? How can we improve the routine of the show? Most of the guidelines that you know the show has, we can't change that as per law. But we do renew it. And one of the things that I was listening on and I wanted to is the flip the question. In the flip the question, it's been there before. So when you don't buy the question, you can take that lifetime and you get a fresh one. But the novelty this year is that there are about 11 subjects from which you can choose a question. It could be entertainment, sports, literature, religion. There are about 11 questions armed with vision. Unki ek suchi bani. And before the contestant comes onto the hot seat, he's given an opportunity to choose, worthy to get a flip the question lifeline, which issue would he choose, or which subject would he choose. And that is known to us before he comes to the show. And when we flip the question, the 11th list comes up, and he chooses, I would like my flip the question to be, say, religion, or say, sports. And the computer then designs the question according to his wish. And he gets a question on sports, or he gets a question on religion. That is the novelty, I feel, which has been very conducive. It's actually contestant friendly. Because we actually want you to help him. If he's used the lifeline, and the lifeline is there to provide life for him. And this flip the question is one of the good, novelties that we are introducing in the show. So there are about 11 issues and 11 subjects in our lives. And he chooses a subject before coming onto the show. And when he uses the flip the question, he picks that one subject. And on that subject, the fresh lifeline, the fresh question. Thank you, sir. We have a lady here. So could we please give her an opportunity, sir? Thank you. Sir, my Sonal Bhardwaj Kaushal, Chhattisgarh Raipur se ho sir, Hari Bhumi Paper se. Sir, aapse jana chahte hain ki aapka janmdin aata hai 11 October ko sir. Hum apne janmdin ki tarikh se us number ko lucky maanne lagte hain. Aam taur pe hamare Bharatiya jo log hain aisa mante hain. Ye aapka 11th season hai. Sir, isko aap kaise dekh rahe hain? Aur saath hi saath main Sony season ke liye bhi puchungi ki wo isko kaisa dekhte hain, kitna chunautipurn. Lekin sir, pehle aap. कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि हर शख्स कहीं ना कहीं नंबर जो है उसे छोड़ता है, इसकी सफलता से आप इसको कैसे देखते हैं? सर, ये 11वां सीजन है आपका, तो क्या ये 11वां सीजन है? जी जी जी, मैं उसे ऐसे छोड़ रही हूँ सर, क्योंकि हेलो बोलो सबको, हेलो बोल रहा हूँ।
as a job. चलिए भुगतान घर पर तो मान लीजिए अगर हमने प्रश्न पूछा और वो दर्शन तक के बाद जबकि समय की कोई पाबंदी नहीं होती तो कंसेप्शन जो हो सकता है तो समय मिलता है तो ये ढूंढता रहता है तो ऐसा लगता है कि ये जो कैमरा है ये कंसेप्शन की सोच है जिसकी सोच मिलता है तो जाएगा और घूमेगा और जाकर कोई कभी सामने आ जाएगा कभी किसी चला जाएगा ऐसा काम करता है। सर ये जो कैमरा के ऊपर ये जब चीज़ें देखी है मैंने अभी देखा कि कैसा लगता है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही लगेगा। हमको ये लोग बैठा देते हैं आप बोलते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा कई बार गलती हो जाती है कहने रुक जाइए आपने गलत बोला है यहाँ लाइट ऐसे आनी चाहिए कैमरा ऐसे करना चाहिए पर ये यूनिट इतना अच्छा है मज़ा हुआ यूनिट है तो ये चीज़ मैं बोलना भूल गया। मैं तारीफ करना चाहता हूँ हमारे जो KBC का पूरी टीम जो 250 लोग काम करते हैं और उन सबको मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनका अगर सहयोग न मिले तो ये शो नहीं कर सकता। उनकी ना शब्द देते हैं ना सूरत देते हैं ना उनकी आवाज़ सुनते हैं लेकिन विदाउट देम दिस शो इज नथिंग एंड दे वर्क सो हार्ड Perhaps your endeavor, you know, it's something which is just your wish.
you're always mindful of the fact that a lot of audience have perhaps come to meet you, you know, and not just watch the show. And also, you've always been a tech enthusiast. You know, you number your tweets, which no one else does. So, you know, more technological, perhaps, ideas coming from you for the show. No, it's just that I feel that, you know, the audience is brought in here for a morning show at about 7, 8 o'clock in the morning. And then they're collected, they're given breakfast, and they're brought in here, and there's a whole time spent in briefing them on how and what they should do, how they should behave. Can't talk, can't get up, can't do this thing. And for about 4 or 5 hours, they just keep sitting there, you know, with such a lot of discipline. So I just feel the least thing I can do at the end of the show is to just go up and do a photograph with them or shake hands with them. They are truly, as I said earlier on, they are the ones that I'm really scared of. It's fearful to be in front of a live audience. And but when they scream and shout and when they applause, that's what gets us there. That's an element that actually, it's like a gauge to know how the show is going. And therefore, I just admire them. And they all come voluntarily. And a lot of them bring gifts and things. It's really wonderful. And as far as numbering is concerned, just a fact, just to know. In case I want to recollect, then I can recollect by the number. So I know which number I said what. You just be able to trace. मेरा प्रश्न इधर ये है कि इन केबीसी में रिश्ते बहुत सारे बनते हैं, जो मीडिया में रिश्ते नहीं बनते हैं, तो ये शो एक रिश्तों को बनाती है और रियल लाइफ में भी रिश्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लोग आजकल मायने बहुत कम समझते हैं. आपके हिसाब से रिश्ते हर इंसान के लाइफ में कितना ज़रूरी है और इंसान को तरोताज़ा कैसे ये रिश्ते ही रखते हैं? बहुत बार जो हमारे जो गर्मी का कारण होता है उसमें इसी की चर्चा होती है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी गंभीर आते हैं उनका कहीं ना कहीं इस बात में सवाल उठाया है, रिश्तों से ही संबंध होता है. ये काम करना चाहें चाहे वह ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाए उनके साथ कोई बनाने के लिए तैयार नहीं, तो उनका एक वो परिवार मान लेते हैं, ये हमारा परिवार है. पिछले सीजन में आपने देखा होगा ये जो महिला थी जो कि कलकत्ते की सड़कों पर जो लोग पढ़ रहते हैं उनको लगता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनको उसमें जा करके ऐसे एक दिन बिस्किट रख दिया, एक दिन पानी पीने पर रख दिया, उससे पता चला उसको कि ये जो है कि उनकी मानसिक हालत ठीक है. फिर उनको उठा के देखें अपने घर में शरण दिया, अच्छा किया, खाना पीना भी देख रहे थे, कुछ नहीं करता था, कुछ याद नहीं था सिवाय एक कि उसको दिन में एक बार चाय पीना. तो एक चाय की दुकान में जाता था कलकत्ते के बेलन में और वो चाय पीता था वहाँ और चला रोज़ रोज़ ये करता था. तो जो चाय वाला था उसने एक दिन उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम मेरा नाम क्या है. कार्यक्रम में आए वो मोहम्मद यहाँ आया था और यहीं बैठा था, और जिस वक्त हमने कहा ये है वो, तो महिला जो कर्म बेटी थी उन्होंने कहा जब ये थोड़ा सी इसकी मानसिक हालत ठीक हो गई तो हमने पता किया इसका असली नाम है संतोष. तो मैंने उसे कहा अरे भाई संतोष आओ तुमसे हम मिलना चाहते हैं, आपको मालूम उसने क्या जवाब दिया, ना मेरा नाम संतोष नहीं मेरा नाम मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद नाम से इस महिला ने उसकी देख तो अब वो मोहम्मद. तो दिस इज द काइंड ऑफ इफेक्ट यू नो दिस पीपल हैव, दे फॉर्म एन एसोसिएशन, इट बिकम्स अ फैमिली, दे अंडरस्टैंड दिस दैट दिस पर्सन इज लुकिंग आफ्टर मी देयरफॉर दे आर माय फैमिली, दैट्स द एसोसिएशन. ऐसे कौन से किस्से होते हैं, लॉट ऑफ यंग पीपल हु आर थ्रोन देयर पेरेंट्स आउट ऑफ द हाउस, दोज पेरेंट्स हैव कम एंड सैट हियर, एंड व्हेन आई आस्क्ड देम यू नो वेयर इज योर सन, where is your home, this person is my son, that the Karambir don't do that. You know, these are the bondings that happen in these shows. And you don't get to hear them, you don't get to see them. It's so wonderful that we are able to do that. Amit ji. Sister Singh. Ji, first of all, we were talking about how the contestants were doing it, how the show was originally made, how the show was originally made, how the show was originally made.
इम्पोर्टेंट है उनके लिए. तो जो कंटेस्टेंट आते हैं शो पे, तो यूजुअली हम देखते हैं पीछे बहुत खूबसूरत सी ऐसा स्ट्रगल या उनकी ऐसी बैक स्टोरी ज़रूर होती है. तो मतलब जैसे शो है उसमें जब आप चूज़ करते हैं तो उसमें सवाल जवाब होते हैं, जो सही सवाल जवाब देते हैं उन्हें चूज़ किया जाता है. तो लाइक मतलब ये सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होता है, तो यूजुअली क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो एक स्ट्रगल या इमोशन, क्या ये मतलब बिकॉज शो अच्छा हो इस वजह से होता है? किस तरीके से सिलेक्शन में ही, जैसे आपका थीम है अड़े रहो इस बार का, तो शायद वो कंटेस्टेंट वैसे होने चाहिए जो इस थीम को रेप्लिकेट करें, या ऐसे कैसे सिलेक्शन का क्या रहता है आपका? मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके जीवन में कोई परिस्थितियाँ न बदली. कहीं ना कहीं उसको दुख हुआ, कहीं ना कहीं उसको शोक हुआ, कहीं ना कहीं उसको उल्लास हुआ, प्रत्येक के लिए. मैं इनफैक्ट शुरुआत यही कह के शुरू करना चाह रहा था. सर ने कभी कहा सबके जीवन में जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ पे गम भी है, संघर्ष है वहाँ पे जीत भी है. तो कंटेस्टेंट हम कोई ऐसा चुन के नहीं लाते कि ये इसकी कहानी तो भरी है तो इसको लेके आते हैं. बहुत एलैबोरेट प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं, उसके बारे में आशीष और अनु टीम ज़्यादा बता पाएंगे. बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ. कौन बनेगा करोड़पति का एक बहुत ही रिगरस ऑडिटेड प्रोसेस होता है जिसके द्वारा यहाँ पर लोग आते हैं. पहले वो ऑनलाइन सोनी लिव पे या यू नो फोन या जो भी वेरियस मीडियम्स हैं उसके द्वारा वो पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद एक रैंडमाइजर के द्वारा कुछ एक लोग यू नो विच इज डिवाइडेड अमंगस्ट कास्ट एंड योर एज जेंडर एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसके बाद से उनको शॉर्टलिस्ट करके यू नो उनका साक्षात्कार इंटरव्यू होता है. उस इंटरव्यू के बाद में वो यहाँ तक पहुँचते हैं. उस इंटरव्यू के बीच में दो लेवल ऑफ जनरल नॉलेज टेस्टिंग होती है. एक रिटन पेपर होता है जहाँ पर जैसे IAS या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है वैसे उनका पहले वो एक जवाब दे के पहुँचते हैं, तो पहला लेवल का फिल्टर हो रहा. फिर वो जब ऑडिशन सेंटर पे आते हैं तो उनका इंटरव्यू यानी साक्षात्कार होने के पहले उनको एक रिटन 20 questions का यू नो पेपर देना पड़ता है. जैसे सारे एग्जाम होते हैं क्लासरूम्स में बैठ के इंग्लिश लेटर के द्वारा वो होता है. उसके बाद में उसका रिजल्ट, क्योंकि वो ऑप्टिकल रीडर के द्वारा हम उसको पता करते हैं, वहाँ पर उनका रिजल्ट रहता है. फिर उनके साक्षात्कार होता है और उसके बाद में यू नो वो यहाँ तक पहुँचते हैं. तो इसमें मल्टीपल फिल्टर्स हैं जिसके द्वारा वो मतलब उनका जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है. जहाँ तक रही बात जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इस देश में मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है उनका एक स्ट्रगल है, उनकी किसी रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें. तो उसमें कुछ थोड़ी सोच सकती है, लेकिन सारे ऐसे होते हैं और आई डिसएग्री विद दैट. आई थिंक बहुत सारे हर विभिन्न यू नो उम्र के यू नो जेंडर के एज के लोग आते हैं और देश नहीं, ये मैं इससे डिसएग्री करता हूँ क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वो नहीं कहते. हो सकता है आपका जैसा जब आप शो देखती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोग याद रहते होंगे, इसके लिए हमें कभी कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भूल जाते हैं, जैसे आप भूलिए, बट ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसा बायस नहीं रहता है इसका. अमित जी the next question on the right, on the right sir. Amit ji, can we take the question on the lady please? Amit ji namaste, main Pooja Saman. आपसे ये पूछना चाहूंगी कि फिल्मों के सेट पे आप एक कलाकार के रूप में हमेशा अपने काम में मसरूफ रहते. कई कलाकारों से सुना कि अमित जी से बात करने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो संवादों में बिजी रहते हैं, संवादों को याद करते हैं, एक कोने में जाके बैठते हैं. आमिर खान ने भी ऐसा ही कहा. जब मैंने ये नोटिस किया कि KBC के सेट पे कई बार जो हॉट सीट पे बैठे कंटेस्टेंट होते हैं वो आपसे काफ़ी इनफॉर्मल हो जाते हैं, बहुत अपने मन से बात करते हैं, तो क्या ये KBC की स्ट्रेटेजी है और यू मेड देम कंफर्टेबल टू टॉक? समटाइम्स वो आपको अपने पारिवारिक बातें भी पूछते और आप भी बहुत अच्छे से बात करते. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मजा नहीं किसने आपको क्या पट्टी पड़ा दी. हम तो जैसा वातावरण होता है वैसा माहौल होता है वैसा हम करते हैं. हम आमतौर पर ऐसे अब सेट पर अगर जाएंगे तो अगर हमको तो संवाद याद नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको याद करते रहते हैं. मतलब नहीं कि हम बात बात नहीं करना चाहते.
और कंटेस्टेंट को वो अपने आप बहुत अच्छे रहते हैं, उनके साथ बातचीत करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो अपने दिल की बात बोले आराम से खेले। बहुत से लोग डर जाते हैं यहाँ आकर के, तो कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए, हमसे कहते हैं आराम से खेले तो वही कहते रहते हैं। बहुत सर इस बार का जो पंचलाइन है डटे रहो अड़े रहो, कहीं ना कहीं वो महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, थोड़ा कंपैरिजन लगता है क्या आपको वो इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ से उस लाइन से? इंस्पायरिंग लाइन तो है लेकिन ये बाबू जी की कविता नहीं है, ये कविता है द्विवेदी जी, वो गलत छपता है और गलत है, बहुत ही मोटिवेशनल बहुत ही। और माता जी की कल बर्थडे एनिवर्सरी भी थी, काफ़ी इमोशनल भी ट्विटर पे शेयर भी किया था, कुछ वो बॉन्ड कुछ याद आता है सर? हाँ सर याद आता है और उसको हम लिखेंगे हमारे ब्लॉग पे जाकर। हेलो हेलो सर, दिस इज रसिका रसिका फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। दिस अ क्वेश्चन फॉर अमिताभ सर, देयर एवरीबॉडी हियर एंड एन आउटसाइड हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू, बट इज देयर वन पर्टिकुलर क्वालिटी और वैल्यू दैट यू हैव इनकल्केटेड फ्रॉम द कंटेस्टेंट एंड हैज इट एवर हेल्प्ड यू व्हेन यू वर लो इन योर लाइफ ड्यूरिंग योर केबीसी? हम लोग अभी भी इसी वक्त हम सुन ही रहे हैं, आपने किस तरह हमसे प्रश्न पूछा, आपने आपका व्यवहार कैसा था, ये जो सज्जन थे उन्होंने कैसे प्रश्न पूछा, इधर जो देवी जी बैठे हैं उनसे मैंने, ये हम सबके लिए एक पाठ होता है, हम सुनते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम किसी कला का प्रदर्शन करता होता है कैमरा के सामने, न जाने कैसे कोई बात याद आ जाती है, अच्छा अगर हमने देखा था बैठ पाता है कोई मजा नहीं कैसे बोला था, दिमाग में रह जाते हैं कभी भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो हम सीख के जाते हैं वो हम जो कंटेक्शन में उनके जीवन से किस तरह उन्होंने अपने आप को प्रोत्साहित किया या कर्मवीर से कितना नए काम कर रहे हैं उसी तरह काम और करना, ये चीज़ें हमें प्रभाव करती हैं। एंड कंटिन्यूइंग टू इट, कभी कभी ऐसे होता है कि सामने वाला जो कंटेस्टेंट है उनका जवाब गलत है, बट प्रॉब्ली यू नो द राइट आंसर इवन बिफोर द कंप्यूटर हैज यू नो पंजाब के सही एक छोटा सा एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो बदलाव लाए हैं यहाँ पे हर बात नए बदलाव लाते हैं काफ़ी तारीफ भी है, बट क्वेश्चन ये है सर शाहरुख खान को अभी क्या था आपने सर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैडम कैमरा जी से पकड़ के उनके सामने अब बोलिए। हाँ जी सर, से मेरा क्वेश्चन ये है आपने शाहरुख खान को लाए लेकिन सर आपके मैंने नहीं क्या बात कर शाहरुख भी किया था और जितने जितने अलग अलग भाषाओं में होता है उसमें हम कहाँ हैं, बंगाल में सौरभ गांगुली थे, अभी महाराष्ट्र में नागराज मंजिले हैं और केरल में कन्नड़ में तमिल में सब अलग अलग लोगों ने किया। अमित जी यहाँ 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 जी सर, जब कर्मवीर आते हैं देश के लाखों लोग आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, करोड़ों लोग आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं, जब कर्मवीर आते हैं व्हाट्सएप पर आप उनसे कितनी प्रेरणा पाते हैं? सर ये गलत बात है कि लोग मुझसे प्रेरणा लगते हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितने भी कर्म भी लाते हैं उनसे हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ, अभी आपने हमने आपको कई किस्से बताए और कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कोई एक एक संस्था शुरू की हुई है जहाँ पर वो गरीबों को देख रेख कर रहे हैं तो हम उनको व्यक्तिगत तौर पर लेकर के उनसे संपर्क करते हैं और अपनी तरफ से जो भी योगदान हो सकता है चाहे व्यक्ति तो करते हैं। अमित सर, हाय, सना हियर इन एक्सप्रेस अगेन।
So you took a big risk when you did Youth. It was a time when no Bollywood actor were doing television fiction. And what is your take right now? There's a series, web series, the boom of digital media. Are you interested in trying out other mediums also now? No, how do you guys figure out who should feature in Karambir episodes? How do you finalize on those people? Can you come? How do you figure out who should feature in Karambir episodes? How do you figure out who other person? Well, there is an entire list of things that, you know, there is an entire research team that's there. They go through the dialogue and check and the kind of work that they have done. The entire creative team is after that. As sir was saying, there is a 250 plus people who, you know, ensure that everything is impeccable. We try. Of course, we can go wrong, but so far everything is been fine. So there is a massive research that goes through. And fortunately, this country has, though they have not come to limelight, but the country has so many such Karambirs to offer that, you know, so far it's not, and we have not fallen short of finding them. It's such a complicated show that a lot of people are unable to understand. But to be able to spend a day from the early hours right to the late night, you will find out how complicated the show is. Right from the technology to the working to the management. And on an average, I think a show is actually about an hour, 15 minutes or 20 minutes. And you know, the efficiency of the show is such that we actually finished the recording within 2 hours time. That just shows how perfectly managed the show is. And all credit to Sony and their management team. I keep saying that without them, it's not possible to coordinate with you. Well, you must have some idea. I do remember many interesting cases. I can't talk about what has happened in the past today, but I was very disappointed. Somebody was playing very well and then he take a lifeline and lost a lot of money. So I feel very bad for them. I have a lot of admiration for young women who defy their parents, defy their being stopped from being educated and still come and play there and make a lot of money. There's a lot of admiration, and I narrate those stories many times in the publicity and the places that I go. I work for the radio show, Radio Palau, and I keep quoting these instances where, you know, young girls are stuck. Gaon se aati hai, aur gaon wale kehte hai isko keval saath mein aadmi tak pao. Uske baad isko chauka hua karne ke baad. Iske upar zyada paise zaya mat karo. Aise bolte hain. Tab main uske khilaf and I oppose that. They say, why are you wasting money by educating this girl beyond the age standard? That's a lot of rubbish. But there are women who actually defy their parents, get thrown out of their home, get thrown out of the homes of their grandparents, but still work on their own and come and win 35 grand for these years. They are admirable girls. And I ask them, what are you going to do with the check? They say, I'm going to take this check and slap it on my father's face and say, even a daughter is worth in being in the family. So these are the kind of stories that we're going to talk about. सर जी, यहाँ पे आरती गुप्ता एबीपी न्यूज से। सर, आपसे और अमित सर सिंह सर से पूछना चाहेंगे, 9 बजे का स्लॉट बहुत इम्पोर्टेंट है एंड बहुओं ने वो स्लॉट ओवरटेक कर रखा है। मतलब आप अगर राइवलरी चैनल पे देखें तो कुमकुम भाग्य एंड सब जगह पे बहुओं की कहानी चलती है, तो उस पर KBC आना, तो बहुएं और ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना लेती है कि अब KBC उनकी, मतलब राइटर जो है और ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि बहुएं आप कैसे KBC को टक्कर देंगी। तो इस पर सर अमित सर आप क्या कहेंगी कि बहुओं को कैसे टक्कर देगा है, इस पर आपकी क्या राय है? एंड सर आप TRP के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो मेन एस्पेक्ट होता है एक शो के लिए भी। सास बहू शो, सास बहू शो।
सर सीरियल की बहू है सारी जो छाई हुई रहती है एंटी सास बहू शो सास बहू की सारी सर 9 बजे के स्लॉट में जैसे खुद घूम भाग के हो गया कहाँ तो सारी बहुएं छाई हुई रहती है एंड उस पर आप एंट्री ले लेते तो बहुएं हो जाती हैं अरे बच्चन जी आ गए अब स्ट्रोक शो की कहानी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तो आपके आने से और मेहनत डबल हो जाती है सारे राइटर्स की एंड कहानी लिखने वाले सिंह सर आप क्या मतलब तैयारी होती है आपको भी पता है कि टीआरपी का उलट फेर हो जाता है केबी किसी सी के आने से केबीसी का एक लास्ट सवाल है केबीसी रिलेटेड बहुत हो चुका सर वन ऑफ द बेस्ट 19 अगस्त को हमें प्लीज मिलेगा सर वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड इज व्हेन यू एंड अभिषेक केम टुगेदर इस साल भी ऐसे कुछ है प्लान जब हम आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं जस्ट अ रैंडम थॉट टू प्रमोट समथिंग और प्रमोट एन एक्सपेक्टेशन बट या दे एग्री टू दैट एज आई सेड यू कांट कम एज अ कंटेस्टेंट दैट्स ट्रू देयर इज अ ग्रुप ऑफ सोनी ग्रुप बी 100 देयर बट इफ इट इज टू प्रमोट द कॉज एंड इफ इट इज टू प्रमोट something that is not connected with KBC.